हेलो दोस्तों, जीके विद नितिन में आप सबका स्वागत है। ठीक है, तो आप पहले वीडियो देखने से पहले एक काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जीके लर्नर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये काम आप कर दीजिए ताकि बहुत सबके पास ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, तो फिर आइए हम शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे फेसबुक आईडी से जुड़ना हो तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और ट्विटर पे भी हमें, वहाँ पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हु प्रपोज दैट ऑल मैटर्स वॉज कम्पोज ऑफ एटम्स दैट आर इंडिविजुअल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, ये थ्योरी कौन प्रपोज किया था कि जो जितने भी मैटर हैं वो किसके बने हैं, एटम के बने हैं। ठीक है, ये थ्योरी किसकी थी, ये थ्योरी थी हमारी जॉन डाल्टन जी की, जो बाद में चल के गलत हुई, क्योंकि एटम के भी हम पार्ट कर सकते हैं। वो पार्ट क्या थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात आ गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, मैं देखिए शॉर्ट में लिखूंगा लेकिन आपको बोल दूंगा तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन जी ने। ठीक ठीक है, प्रोटॉन की खोज कहीं कहीं रदरफोर्ड मिलता है। ठीक है, ठीक है, ठीक, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की चैंडविक। ठीक, चैंडविक। एक फार्मूला भी आप इसको याद करने के लिए, एक फार्मूला भी आप लोग के पास है, वो क्या है, ईटा पर न्यूचे, ईटा पर न्यूचे, ये फार्मूला बहुत फेमस फार्मूला है। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन, पी फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, और न्यू मतलब न्यूट्रॉन, और चा मतलब चैंडविक। ठीक, ये इसका, इसकी याद करने का ट्रिक है। ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सर्व्ड एज इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 2019। ठीक है, ठीक, कांग्रेस पार्टी इंटरिम, देखिए यहाँ पे इंटरिम शब्द लिखा है, यानी अंतरिम अध्यक्ष कौन था कांग्रेस पार्टी का 2019 में। ठीक है, अगस्त 2019 में, देखिए मई में तो चुनाव के नतीजे आ गए थे, मई 2019 में, उसके बाद राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया था, तो राहुल गांधी जी की इस्तीफा देने के बाद कौन कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना था, सोनिया गांधी जी बनी थी। कौन बना था, सोनिया गांधी जी। ठीक, तो कौन थे, सोनिया गांधी जी। आइए अब कांग्रेस के कुछ हिस्ट्री पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस के फाउंडर किसको माना जाता है, ए ओ ह्यूम जी को। ठीक है, फाउंडर ऑफ कांग्रेस कौन थे, ए ओ ह्यूम, जिनको शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है। ठीक है, शिमला का सन्यासी। ठीक है, ए ओ ह्यूम जी को। ठीक है ना, ये अंग्रेज थे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अंग्रेज भी सोचाते थे कि भारत आज़ाद हो, ये उन्हीं में से एक थे, ए ओ ह्यूम। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है, उमेश चंद बनर्जी जी थे। ठीक है, 1885 में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस उमेश चंद बनर्जी जी थे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी थे। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन था, जॉर्ज यूल जी थे। ठीक, और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का, एनी बेसेंट जी थी, ये आयरिश लेडी थी। ठीक है, ये कहाँ की लेडी थी, आयरिश लेडी थी, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस हैं। ठीक है, ये देखिए आयरिश लेडी हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है आपके इसमें कि हु आर द फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, हु आर द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी। तो देखिए अगर आप सिर्फ कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछता तो हमारा आंसर इन्हीं बेसेंट हो जाता। ठीक है, लेकिन वो पूछा है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो हमारा आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये हुई थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ठीक है ना, कानपुर सेशन। ठीक, इसी के देखिए 1925 के एक ही साल पहले 1924 में, याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे बेलगांव अधिवेशन में। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए उसके बारे में था। देखिए, और एनी बेसेंट कब बनी थी, 1917 में कलकत्ता सेशन। ठीक है, ये पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, एनी बेसेंट, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द पंचायती सिस्टम एग्जिस्ट। ठीक है, आप तो सोचते होंगे कि पूरे भारत के हर एक जिले में, हर एक राज्य में पंचायती सिस्टम एग्जिस्ट है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें से सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट करता है, इन चारों में से। ठीक है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना, एग्जिस्ट नहीं करता है।
ठीक, तो इनमें से अरुणाचल प्रदेश में ही पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब आपको हम पंचायती राज सिस्टम के बारे में कुछ बता दें। पंचायती राज सिस्टम आई थी हमारे बलवंत राय मेहता जी की सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता जी की सिफारिश पर 1992 में भारत में 11वां और 12वां ठीक है 12वें शेड्यूल में ऐड किया गया था। 1992 में लागू हुआ और 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1992 में बना और 93 में लागू हुआ, ठीक है, जिसमें पंचायत की बात की गई, ठीक है ना। 11 शेड्यूल में नगर पंचायत की बात की गई है और 12 शेड्यूल में ग्राम पंचायत की बात की गई है, ठीक। सबसे और एक बात और, पंचायत सिस्टम सबसे पहले कहाँ लगा, पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लगा था, ठीक है ना, सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है ना, ठीक। इतनी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिलती है। नाउ अब हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश हमारा सही आंसर है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक। नाउ अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर, ठीक, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, पेमा खांडू जी हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है, पेमा खांडू। आंध्र प्रदेश के में तो 7 नेशनल पार्क थे, लेकिन मुझे 2 इंपॉर्टेंट लगे तो मैं 2 लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। एक नेशनल पार्क है नमपाड़ा नेशनल पार्क और दूसरा है नेहरू वन उद्यान, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू इन सबमरीन टू व्यू ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल। सबमरीन देखिए पानी के तो अंदर चलती हैं, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है हमको बाहर की चीज़ों को देखने के लिए, ठीक, सी लेवल के ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, पेरिस्कोप, ठीक है, पेरिस्कोप यूज करते हैं बाहर की चीज़ को देखने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पाइरहेलियोमीटर है, हाइप्सोमीटर है, इसका क्या यूज होता है, तो इसको भी आइए हम बता दें आप लोगों के लिए, लेके आए हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन में जो रहेगा सबके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, कभी इसके बारे में तो पूछ सकता है, ठीक है, एग्जाम है पूछ ही सकता है, तो क्या कर लेंगे आप। तो पाइरहेलियोमीटर किसके लिए यूज होता है, इट इज अ पॉइंटेड एट द सन टू मीजर द सोलर इरिडेंस कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम सन, ठीक है, ये इसके लिए यूज होता है। और हाइप्सोमीटर किसके लिए होता है, इट इज यूज टू मीजर हाइट और एलिवेशन, ये हाइट और एलिवेशन के लिए यूज होता है, ठीक। ऑडोमीटर तो आप लोग को पता ही होगा, पता नहीं है, बाइक में लगा होता है ऑडोमीटर स्पीड मेजर करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द अर्थर ऑफ अथॉरिटीज ऑफ हैरी पॉटर सीरीज। अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन पता ही होगा, तो कौन है वो, जेके रॉलिंग जी, ठीक है, यही अर्थर है हैरी पॉटर सीरीज का, जिसका शायद 7 की 8 पार्ट निकल चुका है, ठीक है ना, ठीक। नाउ इसमें जादुई की बात की गई है, इमेजिनरी वर्ड की बात की गई है हैरी पॉटर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, आंसर तो आप लोग देख ही लिए होंगे, दिख रहा है, नहीं दिखा होगा, चलिए। अनंतपुरा लेक टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल बिल्ट इन द मिडिल ऑफ लेक इन किस राज्य में बना है, बताइए। अनंतपुरा लेक टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल बिल्ट इन द मिडिल ऑफ लेक इन केरला, केरला में बना है, ठीक है ना, ये केरला में पड़ता है अनंतपुरा लेक टेम्पल, ठीक। नाउ अब केरला हमारा आंसर सही है, तो केरला के बारे में जानते हैं। केरला की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम, और केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनरई विजयन, कौन है, पिनरई विजयन, ठीक है। ये देखिए पूछ सकता है क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर पूछ सकता है, 1-2 नंबर आपको मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए महात्मा गांधी के आंदोलन से आया है, ठीक। हु लेड द साल्ट सत्याग्रह प्रोटेस्ट इन तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में साल्ट सत्याग्रह प्रोटेस्ट कौन वहां का नेतृत्व किया था, ठीक है ना, तो तमिलनाडु में साल्ट सत्याग्रह का नेतृत्व करता थे श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है ना। अब देखिए साल्ट सत्याग्रह कब हुआ था, ये 1930 में हुआ था, ठीक। साल्ट सत्याग्रह को और क्या कहते हैं, डांडी मार्च कहते हैं, ठीक। डांडी मार्च गांधी जी ने 1930 को शुरू किया था, ठीक, अपने आश्रम साबरमती से, अपने आश्रम साबरमती से उन्होंने डांडी के लिए 78 फॉलोवर के साथ, ठीक है, लेड बाय महात्मा गांधी जी 1930 में विथ 78 फॉलोवर फ्रॉम इस साबरमती आश्रम टू डांडी गए थे, ठीक। इसको नमक सत्याग्रह डांडी मार्च भी कहते हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लॉज ऑफ मोशन डिड आइजैक न्यूटन फॉर्मुलेट, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक,
ये आप लोग अपने से करिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक, बता ही देता हूँ तीन, ठीक है ना, तीन आइजक न्यूटन ने दिए थे। पहला क्या था, लॉ ऑफ इनर्सिया। दूसरा क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तीसरा क्या था, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तीन लॉ न्यूटन ने दिए थे। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मिंग अ प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटेड बाई अ कंप्यूटर कॉल्ड। ठीक है, बताइए, विच एग्जीक्यूटेड बाई कंप्यूटर कॉल्ड कोड। ठीक है ना, कोड कहते हैं, कोड प्रोग्राम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म द अर्थ सरफेस इज। ठीक है, वह नेचुरल प्रोसेस बताइए जो अर्थ सरफेस को वार्म करती है। ठीक है ना, यानी ग्लोबल वार्मिंग की बात यहाँ पे किया है। ग्लोबल वार्मिंग किसके लिए होती है, किस कारण होती है, बताइए। ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारे पास कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक, ग्लोबल ग्रीन ग्लोबल इतना तो समझ में आप लोग को, यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म द अर्थ सर्फेस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसको जानते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सर्फेस, अर्थ सर्फेस को गर्म करता है। व्हेन द सन एनर्जी रीचेज द अर्थ एटमोसफियर, सम ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस एंड रेस्ट इज ऑब्जर्व्ड एंड रेस्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड री रेडिएटेड बाई ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है ना, क्या होता है जब हमारे पास यहाँ पे हमारा एटमॉस्फियर है, सन से एनर्जी आ रही है। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पे एटमॉस्फियर है, ठीक, तो इस सन से एनर्जी आ रही है, तो कुछ एनर्जी क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी समय, और कुछ क्या होती है, यहाँ पे जो हमारे पास CO2, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो सीधे कहाँ भेजते हैं, नीचे भेजते हैं, जिसके कारण क्या होती है, पृथ्वी गर्म होती है, और उसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, CO2 है, CH4 है, वाटर वेपर है, ठीक, CO2, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सब क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक, वाटर वेपर बीच में है, वाटर वेपर, ठीक है ना, ये सब हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स। देखिए फादर, मैं सबके फादर का एक अलग से वीडियो लेक्चर लाऊंगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ साइंस कौन है, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी पूछा है फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स कौन है, तो फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं सेलमैन वॉक्समैन। ठीक है ना, सेलमैन वॉक्समैन को फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी बिल्ड द खुजरो टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, किस डायनेस्टी ने खुजरो टेम्पल बनवाया था। ठीक, तो बताइए, चालुक्य, मौर्यंस, पल्लव और चंदेल, कौन बनवाए थे, तो खुजरो टेम्पल वाज बिल्ट बाय चंदेल्स। ठीक है ना, चंदेलों ने इसको बनवाया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब। फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है, ये पूछा है, तो किस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है, 11 से 30, नहीं, 9 से 15, एकदम नहीं, 10 से 20, एकदम नहीं, तो किस में, 12 से 35 में, 12 to 35 में फंडामेंटल राइट की बात की गई है। किस पार्ट में आता है, पार्ट थ्री में। ठीक है, पार्ट थ्री में आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स लिया कहाँ से गया है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, अमेरिका, क्योंकि हमारे संविधान में देखिए बहुत सारी चीज़ें बाहर से ली गई हैं, तो फंडामेंटल राइट्स लिया गया अमेरिका से। और आप एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, बताइएगा फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, ये कहाँ से लिया गया है। ठीक, ठीक है ना, ये आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नाउ देखिए पार्ट थ्री में 12 से 35 में इसकी बात की गई है फंडामेंटल राइट्स की। आर्टिकल 32 जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको हर्ट एंड सोल कहा है, क्या कहा है, हर्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है, देखिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, पूरा बोल रहे हैं आप समझ जाइएगा। ठीक है ना, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, हार्ट एंड सोल अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें हम, तो वो है हमारा प्रीएम्बल।
ठीक है ना, प्रियम बल। लेकिन क्वेश्चन में पूछता है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार हार्ट एंड सोल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 32 या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बात एक ही है, ठीक है ना। कभी कभी ऑप्शन में आर्टिकल दे देगा तो आपको आर्टिकल 2 बताना पड़ेगा, या तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देगा तो आप वो बताएंगे। लेकिन प्रियम्बल, प्रियम्बल तो हार्ट एंड सोल है सबके हिसाब से, लेकिन डॉक्टर भीमराव जी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ही हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों क्यों है? क्योंकि इसमें 5 राइट दिए गए हैं जिसके जो जो आपकी अधिकारों की रक्षा करते हैं, इसीलिए उन्होंने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक। क्वेश्चन 15, देखिए हर एक क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा है जेई में, ये नहीं कि आप अगर सोचे कि मॉडर्न पढ़ के चले जाएं, करंट ना पढ़ें, ठीक है। मैं 50 क्वेश्चन उठाता हूं तो देखता हूं हर एक क्षेत्र से, खेल से, बुक से, फिर अवार्ड, अवार्ड से तो अभी नहीं मिला मुझको, ठीक है। हर एक क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, ठीक है। ये देखिए एंशियंट से पूछा गया है, द एडी एरा, या एडी मतलब आप जानते ही होंगे एनो डोमिनी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। एरा इज आल्सो कॉल्ड सीई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीई, सीई का फुल फॉर्म क्या है? करेंट एरा, क्रिश्चियन एरा, कॉमन एरा, क्रिस्ट एरा। तो सीई का फुल फॉर्म है कॉमन एरा, ठीक है ना। एडी को हम सीई भी कहते हैं और सीई का नाम क्या है? कॉमन एरा, ठीक। नाउ अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका अपना ही चैनल है जीके लर्नर बाय नितिन गुप्ता, ठीक, बाय नितिन गुप्ता, ठीक है। शेयर ज़्यादा ज़्यादा करेंगे सबके यहाँ पहुँचेगा, आप वो भी बेनिफिट होंगे, हम भी बेनिफिट होंगे, ठीक है, चैनल ग्रो करेगा तो, ठीक। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होमवर्क है आप लोगों के लिए, जैसा कि मेरी आदत है होमवर्क देने की, तो हम आपको होमवर्क देते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, ठीक। नीलम संजीव रेड्डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एस राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो आपको बताना है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम अलविदा लेते हैं, हैव अ नाइस डे, ठीक है, थैंक यू।